नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो बयान निकल के आ रहे हैं उसमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि जो लोग शराबबंदी को असफल बनाने में जुटे हुए हैं, जो लोग अवैध धंधा करते हैं शराब का, उस पर कानून जरूर शिकंजा कसेगा, यानी कि पुलिस पर भरोसा जता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार में जो तैनात है अफसर, अधिकारी, पुलिस के जवान, वो जरूर उन पर कार्रवाई करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार की सरकार जो शराबबंदी जैसे कानून को लेकर हर तरफ सरकार की पीठ थपथपाती है, इसका चर्चा कर करके, तब ऐसे में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने बयानों के माध्यम से शराबबंदी कानून पर कहीं ना कहीं जब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस पर अब आगे क्या होना है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, एक्साइज मिनिस्टर जो बिहार के हैं सुनील कुमार, वो भी बैठक में मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे होंगे। उसके बाद लेकिन जेडीयू और बीजेपी में जो बयान सामने निकल के आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और करते रहेंगे, शराबबंदी बिहार में लागू है और लागू रहेगा। जो लोग मर रहे उसके लिए उसकी जांच हो रही है क्या हुआ है। आप देखे नहीं, गोपालगंज में हुआ था जहरीली शराब कांड, तो कितने लोगों को सजा हो गई, उदाहरण देख नहीं रहे हैं। जांच के नाम पर हत्या 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 के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं, पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा, जो कानून में प्रावधान है वो लागू होगा। जाइए ना, आपको पहुंचाने के लिए आप बहुत उसके लिए व्याकुल हैं, तो चले जाइए लेके सीएम आवास। इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, जहां पर प्रशासन कड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। जहां पर मजबूती से पुलिस काम कर रही है वहां पर कुछ घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो लोकल स्तर पर 3 नंबर का काम करने के कारण हो रहा है। जहां घटनाएं नहीं हो रही हैं, खास करके अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं, जो मेरा भी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो जो स्थितियां हैं वह भयावह हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग से पूर्वी चंपारण में शराब का काम चल रहा है, और जहाँ 1 नंबर का शराब प्रशासन के सहयोग से चल रहा है वहाँ पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। जहाँ पर प्रशासन कड़ा है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आपने सुना क्या कुछ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल किस तरीके से सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार की सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये शराबबंदी कानून, इसे सफल बनाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ विपक्षी खेमा जहां निशाने पर ले रही है सरकार को, वहीं बीजेपी ने इशारों में पुलिसिया प्रशासन पर सवाल खड़े करके विपक्ष की आवाज़ को मजबूती जरूर दी है। ऐसे में अब जेडीयू क्या कुछ कहती है, जेडीयू क्या कुछ करती है, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।